हेलो दोस्तों, अमेज़ॉन अलेक्सा आपने नाम सुना होगा। ओके, काफ़ी ओके पास होगा भी। आपने देखा होगा अमेज़ॉन अलेक्सा का एग्जैक्टली काम क्या है, कि आप अगर इस डिवाइस को अपने घर पे लगा देते हो और कहते हो अलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, ओके नंबर वन नंबर टू वट एवर, तो इस तरीके से वो लाइट स्विच ऑन कर देते हैं। एक तरीके का आपको मतलब बैठे बैठे आप कुछ भी चीज़ मतलब लाइट्स ऑन कर सकते हैं या फैन ऑन कर सकते हैं, इस तरीके के काम कर सकते हैं अमेज़न अलेक्सा। तो ये बनाती कौन है, ओके इसका वॉइस मॉड्यूलेशन कौन करता है, कौन कंपनी करती है, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। ओके, और वो शेयर के रिजल्ट आने वाले हैं और वो शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। काफ़ी बेहतरीन कंपनी अभी तक अपना परफॉर्मेंस दिखाती आई है, उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो में हम पहले चलते हैं, बट उससे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में, जो आप सभी का चैनल है। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और अगर बात करें यहाँ पर कल की डेट में, तो देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए, कितना परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितने स्टॉक मैक्सिमम होने चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर डीमार्ट शेयर से रिलेटेड बातें की गई है, इसे देख लीजिएगा। ओके, अगर बात करें यहाँ पर एक टाटा एलेक्सी जो शेयर है उससे रिलेटेड बातें की गई है, टारगेट 10,000 रुपये, इस शेयर की तरफ भी नज़र रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में और आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना। एज वेल एज श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे आप दान दे सकते हैं, दान देना एक पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसके रिजल्ट। अगर हम देखते हैं यहां पर सॉरी वन डे का परफॉर्मेंस, रिटर्न्स देख लीजिए 3.43%, वन मंथ 2%, थ्री मंथ्स में 9%, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, सिक्स मंथ में 52%, वन ईयर में 127%, और टू फोर ईयर्स इस कंपनी को आए हुए, फोर ईयर्स हुए और लगभग 250% के रिटर्न दे रहा है। तो कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रही है, और बहुत बड़े ग्रुप के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़े ग्रुप की एक कंपनी है, जैसे टाटा के साथ टाटा एलेक्सी, तो इसका ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। और ये कंपनी बड़े ग्रुप के साथ तो है ही है, बट टाटा एलेक्सी के साथ साथ चलती है। आपने टाटा एलेक्सी के रिजल्ट देखे, बेहतरीन रिजल्ट थे, ओके, और मैंने आपको बताया था कि 3300-3400 तक जाएगा, उधर तक गया भी है। और बात करें यहाँ पर इस शेयर की, तो इसका टारगेट 3000 है, जो कि ऑलरेडी गया भी था, फिर नीचे आ गया है, इसके रिजल्ट है, अभी ये भागने वाला है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। टाटा एलेक्सी को अभी साइड में रखो, वो नीचे आएगा तब उसमें करेंगे, बट इसकी अभी हमें इस शेयर में एक्युमुलेट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं वन डे का, आप देख सकते हैं 2550 रुपये के लगभग ये शेयर चल रहा था थर्सडे को, और उसके बाद जिस तरीके की जंप, लगभग 3.5-4% की यहाँ पर जंप देखी गई है। फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ऊपर से नीचे आया है शेयर। वन मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। वन ईयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तो अगर बात करें तो 1000 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था, और फिर जो इसने रैली बनाई है वो आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, 800 रुपये का शेयर, ओके, फिर गिरता हुआ यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर भागा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर उसके बाद यहाँ पर भाग रहा है, और फिर कंसोलिडेशन का अभी रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद फिर कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई देगा। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं शेयर की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 52 वीक लो लगभग 1000 रुपये के आसपास था, 52 वीक हाई की बात करें तो 9 अप्रैल को 3000 रुपये के आसपास जाके फिर गिरता हुआ नजर आया, 2600 रुपये के आसपास का शेयर अभी चल रहा है, तो 350 रुपये तो आपको ये मिलने, 250 रुपये के लगभग जो है, 350 रुपये के लगभग ये आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर बात करें डिलीवरी बेसिस, तो यहाँ पर 1,16,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, 75% के आसपास शेयर प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास पब्लिक ही नहीं है, FIIs, DIIs और पब्लिक के तीनों को मिला के 25% है। डिविडेंड देखें तो 2020 में 2 बार डिविडेंड, 2019 में 2 बार डिविडेंड, ओके, इस तरीके के डिविडेंड देता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों के दोनों 3rd of May को आपको मिलने वाले है, कंपनी ने कह दिया है
यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड बातें हम और आगे करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कंपनी है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड का बोनस अभी तक दिया नहीं है कंपनी, स्प्लिट अभी तक नहीं दिया राइट इशू, क्योंकि कंपनी अभी आई है, बट अभी जब देना शुरू करेगी तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स के साथ साथ यहाँ पर बोनस स्प्लिट सब चीज आगे आती हुई दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक साल में कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है वो सब बनता भी है। तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है LTTS लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके दो आईटी शेयर देखिए LNT लार्सन एंड टुब्रो के साथ, एक तो बड़ा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। अगर बात करें LTI एक शेयर है इन्फोटेक, और एज वेल एज बात करें टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है मोस्टली, क्योंकि ये देखिए मिड कैप स्टॉक है ओके, और ये भागता है तो बहुत तेज भागता है सॉरी। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि टाटा मैंने बताया था एलेक्सा, तो अमेजोन एलेक्सा से रिलेटेड जो काम करते हैं ना, तो ये कंपनी उसे वॉइस इनोवेशन इंजीनियरिंग, जो वॉइस इनोवेशन होता है ना कि आप टाटा एलेक्सा का नाम कॉल करके उसे कुछ भी कराते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन या कह सकते हैं वॉइस इंजीनियरिंग का काम करती है, ये करती है LTTS। यहाँ आप देख सकते हैं ओके, काफ़ी अच्छी सर्विसेज है ओके। यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, तो ये कंपनी आपको IT से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सर्विसेज देख सकते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ओके, सब चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगी, PLM डिजिटल फ्यूजल एसेट केयर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। अगर बात करें यहाँ पर हेल्थ केयर, वॉइस इनोवेशन इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, मतलब ये कंपनी एक आने वाली, कह सकते हैं कि आने वाले जो टाइम में ये कंपनी अपने आप को देखिए ऑलरेडी प्रूव कर रही है, और आने वाले टाइम में इसी का ज़माना है जो शॉर्ट में अगर बात की जाए। और बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए मिड कैप कंपनी है ओके, लगभग लार्ज कैप भी के लगभग ही कह सकते हैं इसे, 27,760 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। ROC की बात करें तो 42 के ROC से कंपनी आपका पैसा बढ़ा रही है। 17% का यहाँ पर डेट है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। 10 साल का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन है ओके। अगर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 1980 है, जो कि ऊपर चल रहा है, बट ऐसी कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से हमेशा ऊपर ही चलती है। और अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों की, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लीजिए। क्वार्टरली वाइज अगर बात करें 2018 में 1,055 करोड़ रुपए के यहाँ पर सेल्स थी, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते अभी के दिसंबर की बात करें तो 1,400 करोड़ के लगभग की सेल है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 164 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 276 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, तो इसे कहते हैं कि कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 159 करोड़ का प्रॉफिट 186 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस के, तो देखिए 5 साल का ही डेटा यहाँ पर है। और अगर बात करें सेल्स की, 2619 करोड़ रुपए का सेल्स आज की डेट में यहाँ पर अगर बात करें, सबसे ज़्यादा सेल्स अगर इस क्वार्टर को छोड़ दे, इस साल को छोड़ दे, तो यहाँ पर अभी और रिजल्ट आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा आपको सेल्स होती हुई रिवेन्यू होता हुआ नज़र आएगा इस साल का। 5,456 करोड़ रुपए की सेल्स अभी है। प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो 311 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 674 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। और बात करें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, किसी क्वार्टर में ऊपर किसी क्वार्टर में नीचे होता रहता है, बट कंपनी कंसिस्टेंसी दिखा रही है प्रॉफिट में, इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर रिजर्व्स की बात करें, काफी बेहतरीन रिजर्व्स है, 2 करोड़, 5 साल पहले 2 करोड़ के रिजर्व से आज 3,000 करोड़ के रिजर्व है ओके। बोरिंग की बात करें, बोरिंग कंपनी ने अभी यहाँ पर 500 सितंबर में 530 करोड़ की बोरिंग थी, और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट से, हाँ तो लगभग 530 करोड़ की बोरिंग यहाँ पर दिसंबर मार्च में भी थी होगी, और अभी कितनी है ये जब 3 तारीख को डेट रिजल्ट आएगा तो ये और ये चीज़ें अपडेट होती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश कंपनी का 277 करोड़ रुपए का है, और अच्छे खासी ROC देख लीजिए, 40 के ROC के लगभग ही कंपनी हमेशा परफॉर्मेंस देती आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75, FIIs ने देखिए अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर मार्च में बढ़ाई है, इस बात को याद रखना, मार्च में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो मतलब ये शेयर में पंख लगते हुए नजर आ सकते हैं। DIS की बात करें, DIS की लगभग सेम ही है, और FIIs की बात करें तो सॉरी पब्लिक की बात करें तो 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर कंपनी की नज़र पब्लिक की नज़र आती है। तो इस शेयर की तरफ जिसका नाम है LTTS, इसकी तरफ आपको नज़रें रखनी है। और इसका रिजल्ट कब है, 3 तारीख को, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ओके। 3 मई को यहाँ पर रिजल्ट है। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी शायद डिविडेंड भी कंसीडर कर रही है, यहाँ पर देख सकते, तो कंसीडर एंड अप्रूव द ऑडिट स्टैंड अलोन, तो अब ऑब्वियसली बात है सारी कंपनी दे रही है डिविडेंड, तो ये कंपनी भी देती हुई नज़र आएगी। 3 तारीख को रिजल्ट है, तो इसकी तरफ निगाहें होंगी। उससे पहले आप शेयर को एक्यूमुलेट कर लीजिए,
1000 तक तो ये जाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी, ओके, इसी से रिलेटेड मुझे न्यूज़ देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर आती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।